ये टेबल यहाँ से हटानी है और ये जो पीछे वाली वॉल है ना वो मैं डेकोरेट करनी है। क्या है? क्या करना क्या चाहती हो तुम? क्या करना चाहती हूँ मतलब पूजा के लिए सजावट करवा रही हूँ और कुछ पर क्यों क्यों कर रहा था मैं सब? कौन हो तुम? कौन हो तुम इस घर की? कोई नहीं ना, तो तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह क्यों नहीं रह सकती हो? क्या हर समय हर जगह हर चीज पे क्रेडिट लेना जरूरी है क्या तुम्हें? क्या बोल रही हो तुम मलिष्का, क्या मतलब है? ये भी मैं समझाऊँ, मुझे समझाना पड़ेगा तुम्हें। ऑफ कोर्स हर बार मैं ही तो समझाती हूँ ना, अगर समझ आ गया होता ना तो आज ये सब नहीं करती तुम। प्रॉब्लम है क्या कोई समझ की? एक मिनट समझा ही देती हूँ मैं तुम्हें। इधर ये देखो क्या है, इसे ना पालना कहते हैं, इसलिए पूजा यही होगी। तुम उस जगह को क्यों सजा रही थी जहाँ पर पूजा नहीं होगी? पूजा यहाँ नहीं होगी क्योंकि ये गलत जगह, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। और तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? क्या समझ की कोई प्रॉब्लम है? हाउ डेयर यू लक्ष्मी, क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों कर रही हो? जरूरत क्या है तुम्हें ये सब करने की? क्यों कर रही हो? क्या चाहती? क्या हो? क्या हो रहा है? मासी मासी देखिए ना, जिस चीज का डर था वही हो रहा है, एग्जैक्टली वही। ये लक्ष्मी है ना, इसे हर चीज में अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी बहुत जरूरी है, हर चीज का क्रेडिट चाहिए इसे। इसे ना लाइमलाइट में रहने की आदत हो गई है। आप देखिए ना वो पालना है, कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा खासा तैयार है, सब कुछ ब्यूटीफुल है। लेकिन नहीं, लक्ष्मी को कुछ तो करना है ना इसमें भी, तो अब ये बोल रही है कि पूजा यहाँ नहीं होगी, पूजा वहाँ पे होगी। शिफ्ट कर रही है हर चीज को। क्यों लक्ष्मी, क्यों क्यों इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमेशा लोग तुम्हें इंपॉर्टेंस दें, तुम्हें पसंद करें, तुमसे प्यार करें? हमेशा सबके लिए जरूरी क्यों बने रहना चाहती हो? दुनिया में और भी बहुत लोग हैं, जरूरी नहीं है कि सारी इंपॉर्टेंस हमेशा सिर्फ तुम्हें ही दी जाए। हमेशा यही तो करती है आंचल। मलिष्का को भी हम सुबह से देख रहे हैं, लगातार काम कर रही है, लेकिन देखो क्रेडिट सिर्फ इसे लेना है, और वो भी क्या करके, चीजों को इधर से उधर करके। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने क्या कसम खा के रखी है कि आप लोग मुझे हमेशा गलत ही समझेंगे? मैं जो भी करूंगी उसमें कोई गलत मकसद, कोई गलत वजह ढूंढ ही लेंगे। मैं सिर्फ जो गलत था उसे सही करने की कोशिश कर रही थी, सिर्फ सुधारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन नहीं, जो मैं बोल रही हूँ, जो दिख रहा है, जो हो रहा है, वो सब आपको देखना ही नहीं। पालना गलत जगह पर रखा हो, अगर यहाँ बैठ के पूजा करेंगे तो मंदिर की दिशा उत्तर दक्षिण हो जाएगी, जो कि अशुभ होता है, इसीलिए पालने को उस तरफ शिफ्ट करने के लिए कह रही, ताकि मंदिर की दिशा पूर्व पश्चिम। पर क्यों? जरूरत क्या इन सब चीजों की? सही जगह पे है पालना, यहाँ से भगवान जी के दर्शन ना अच्छे से हो जाएंगे, और स्पेस भी काफी है, हर कोई आ जाएगा यहाँ पे, काफी लोग आ जाएंगे। मलिष्का पूजा 12 बजे होगी, तब तक वैसे भी आधे लोग जा चुके होंगे, कम ही लोग होंगे, और यहाँ से भी अच्छे से दर्शन हो सकते हैं, कम से कम शुभ तो होगा। मैं बस जो गलत था उसे सही करने की कोशिश कर रही थी। आई एम सॉरी अगर उसमें तुम्हें प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकती कि गलत करती जाओ। मैं जो सही होगा वही करूँगी। जबरदस्ती करोगी? जरूरत पड़ी तो हाँ, जबरदस्ती।